अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको ये विज़िट करवाने जा रहे हैं। ये 10 मरला का स्पेनिश एलिवेशन रेडी करदा घर, जिसकी लोकेशन जुबली टाउन लाहौर है। और जुबली टाउन की बहुत ही प्राइम तरीन लोकेशन के ऊपर आपको घर देखने को मिल जाता है। 6 मास्टर साइज बेडरूम के साथ ये घर रेडी किया गया है और बहुत ही शानदार किस्म का, और बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर ही आपको जुबली टाउन में घर देखने को मिल जाता है। डिमेंशन की बात करें, 35 फीट का फ्रंट और 65 फीट घर की डेप्थ मिल जाती है। अकोमोडेशन के अंदर आपको 6 मास्टर बेडरूम और डबल यूनिट के साथ ये घर देखने को मिल जाता है। बहुत ही प्राइम तरीन लोकेशन पे और बहुत रीजनेबल डिमांड के साथ ये घर रेडी किया गया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपको रॉक वॉल के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन रेडी मिल जाता है और स्पेनिश वर्क रेडी किया गया। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर जो मोल्डिंग वर्क है आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका डोर दे सकते हैं जो कि सीएमसी कटिंग के साथ ब्लैक कलर के साथ इसका डोर रेडी किया गया। और इस तरफ इसका एक्सटर्नल ऑन एरिया की स्पेस दे सकते हैं जिसके अंदर आपको प्लांटेशन और ग्रास वर्क देखने को मिल जाता है। बाउंड्री वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन यहाँ से आपको क्लोज करके दिखाते चलें। अब आपको लिए चलते हैं घर का अंदर से लुक करवाते हैं। तो ये हम आगे इसके कारपोर्च में, कारपोर्च के अंदर आप 3 गाड़ियों को यहाँ पर इजीली खड़ा कर सकते हैं। 3 जो बड़े साइज की जो गाड़ियाँ होती हैं आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। और ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन दे सकते हैं कारपोर्ट का, सामने मोज़ाइक वर्क निशेस के अंदर, और इस तरफ वॉल डिज़ाइन, और ये बाउंड्री वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको आर्टिफिशियल ग्रास और जो मार्बल डिज़ाइन है देखने को मिल जाता है। ये इसका टोटल लुक दे सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्पेस आपको इसके गिराज के अंदर देखने को मिलती है। अब आपको लिए चलते हैं घर का अंदर से लुक करवाते हैं। ये इसका मेन डोर दे सकते हैं जो कि इसकी ओपन होता है मेन लॉबी में, और टोटली तौर पर वुडन के साथ ये आपको डोर देखने को मिल जाता है। हम इसकी एंट्रेंस करते हैं इसके ड्राइंग रूम की जानिब से, और ये भी डोर आपको देखने को मिलता है सेमी सॉलिड वुडन के साथ देखने को मिलता है। ये हम आगे इसके ड्राइंग रूम में, और ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का जो वॉल डिज़ाइन है देखने को मिलता है। ये यहाँ पे पार्टीशन के लिए स्पेस, इसका जो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम आप इसे सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इकट्ठा यूज़ करना चाह रहे हैं इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं इसके जो टीवी लाउंज डिज़ाइन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हम आगे इसके टीवी लाउंज में, और ये इसका टीवी लाउंज का टोटल लुक दे सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का इसका सीलिंग का डिज़ाइन, शैंडेलियर की ऑप्शन, फैन जो है आपको इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। ये इसका एलसीडी पॉइंट जो कि टोटली तो आपको वुडन के साथ रेडी किया गया। ये इसका ओपन स्टाइल किचन रखा गया। काउंटर टॉप की बात करें, काउंटर टॉप के ऊपर आपको ब्लैक मार्बल जो है देखने को मिलता है। स्टोव की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, हुड की ऑप्शन आपको किचन के अंदर देखने को मिल जाती है। ये इसका किचन का टोटल लुक दे सकते हैं। ग्लास का यूज़ किया गया है यूवी शील्ड के साथ, और ये इसका मेन डोर की स्पेस देखने को मिलती है। अब आपको घर का फर्स्ट बेडरूम लुक करवाते हैं। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम का टोटली लुक दे सकते हैं। ये इसका टोटली स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे खिड़कियों की ऑप्शन देखने को मिलती है सेफ्टी ग्रिल के साथ। ये हम आगे इसके वॉशरूम में, मिरर की ऑप्शन देखने को मिलती है, वेंटी दे सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको शावर की स्पेस देखने को मिल जाती है। वॉल फिटेड कमोड, और ये इसके वॉशरूम का टोटल लुक दे सकते हैं। काफ़ी बड़ी वॉशरूम में जो स्पेस है देखने को मिलती है। अब आपको लिए चलते हैं इस घर का सेकंड बेडरूम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हम आगे इसके सेकंड बेडरूम में, ये इसका टोटल लुक दे सकते हैं। काफ़ी बड़ा मास्टर साइज का इसका बेडरूम देखने को मिलता है। फ्लोरिंग के ऊपर आपको 1.5x1.5 की जो टाइल है देखने को मिलती है, और इस तरफ खिड़की की ऑप्शन दे सकते हैं सेफ्टी ग्रिल के साथ। अब आप इसका जो अटैच वॉशरूम है वो दिखाते हैं। मिरर के ऑप्शन दे सकते हैं, वेंटी देखने को मिलती है, शावर, यहाँ पे कमोड की ऑप्शन, वॉल फिटेड कमोड, और ये इस वॉशरूम का टोटल रूम दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 2 मास्टर साइज बेडरूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और 1 किचन स्पेस देखने को मिलती है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर पर लिए चलते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। स्टेयर्स के ऊपर आपको ज़बरदस्त किस्म का जो मार्बल है देखने को मिल जाता है विद ब्लैक बॉर्डर, निशेस की ऑप्शन दे सकते हैं, मिरर के साथ रेडी की गई है। अब हम आ चलते हैं इसके
फर्स्ट फ्लोर पे, और ये फर्स्ट फ्लोर का टोटल लुक, ये इसका टेरेस एरिया देख सकते हैं, ये इसका काफी बड़ी टेरेस की स्पेस देखने को मिलती है, निशेज रेडी की गई है जिसके अंदर जबरदस्त किस्म की जो लाइट्स हैं देखने को मिलती हैं, आज यहाँ पे रेडी की गई हैं। और ये इसका टोटली लुक, ये हम आगे इसके सेकंड टीवी लॉन्च में, सबसे पहले इसका साइज देख सकते हैं, इतना बड़ा जो आपको टीवी लॉन्च का जो साइज है एक नाल के घर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन 10 मरला की ये ऐसी स्पेसिफिकेशन स्पेस देखने को मिलती है जहां पे आपको इस साइज का जो टीवी लाउंज है देखने को मिल जाता है। ये इसका ओपन किचन, स्टोव की ऑप्शन, हुड की ऑप्शन, सिंक की ऑप्शन दे सकते हैं, काउंटर टॉप का पूरा ब्लैक मार्बल और यूवी हाई ग्लॉस यूवी शीट के साथ इसके जो किचन कैबिन है रेडी किए गए हैं। अब आपको इस घर का तीसरा बेडरूम लुक करवाते हैं, ये हम आगे थर्ड बेडरूम में, घर के अंदर जो आपको बेड्स की तादाद देखने को मिलती है 6 बेडरूम का ये प्रॉपर घर रेडी किया गया है। तो ये इसका अटैच वॉशरूम, वेंटी मिरर के साथ शावर, कमोड एरिया, और इस वॉशरूम का भी आप टोटली लुक दे सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं इस घर का जो फोर्थ बेडरूम है वो दिखाते हैं, ये इस घर का चौथा बेडरूम, ये इसका टोटल लुक, और इसी के साथ यह हम आगे इसके फोर्थ बेडरूम मास्टर साइज के वेंटी दे सकते हैं, मिरर की ऑप्शन, और यहाँ पे भी वॉल फिटेड कमोड की ऑप्शन देखने को मिलती है, शावर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और इस तरफ अलमारी की स्पेस देखने को मिलती है जो कि आपको रूफ हाइट तक देखने को मिल जाती है। अब आपको लिए चलते हैं इस घर का पांचवा मास्टर साइज जो बेडरूम है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ले जीजिए हम आगे इसके पांचवें बेडरूम में, ये इसका सीलिंग का डिजाइन और इस तरह भी लाइट्स की ऑप्शन देखने को मिलती है, यहाँ पे छोटा सा टेरेस एरिया बनाया गया है जो कि इस बेडरूम के लिए स्पेसिफिक आपको देखने को मिलता है, ये इसका टोटल लुक दे सकते हैं। ये जुबली क्राउन की प्राइम लोकेशन बनती है, ये नियर टू आपको जो घर की लोकेशन बनेगी इंडस हॉस्पिटल के नियर बाई इस घर की लोकेशन है, और ये इसका अटैच वॉशरूम पांच बेडरूम का, यहाँ पे अलमारी की स्पेस देख सकते हैं जो कि आपको रूफ हाइट तक देखने को मिलती है, और यहाँ पे वाइट कलर में वेंटी मिरर के साथ देख सकते हैं आप ये जबरदस्त किस्म की वेंटी। अब आपको लिए चलते हैं इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर बात करें 3 बेडरूम टीवी लाउंज प्लस किचन की स्पेस देखने को मिलती है, ये हम आगे इसके सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर की बात करें तो सबसे पहले इसका रूफ टॉप एरिया दे सकते हैं, ये रूफ टॉप का टोटली एरिया दे सकते हैं, सामने अगर आप देखें तो जबरदस्त किस्म का लुक देखने को मिलता है, ये 150 फीट रोड की लोकेशन देखने को मिलती है, ये इसका टोटली सेकंड फ्लोर यहाँ पे आपको मिलता है, ममटी यहाँ पे रेडी की गई है, छोटा सा स्टोर रूम के लिए स्पेस देखने को मिलती है, और स्टोर रूम के साथ यहाँ पे प्रॉपर एक बेड की स्पेस दी गई है, और बेड के साथ यहाँ पे आपको जो वॉशरूम है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस घर की अब डिमांड की बात करें, इस घर की जो डिमांड है 3 करोड़ और 70 लाख रुपए जस्ट इस घर की आस्किंग है, और यहाँ पे भी प्रॉपर आपको एक जो किचन है सेकंड फ्लोर के ऊपर भी देखने को मिलता है, अगर आप इस फ्लोर को सर्वेंट रूम पे तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं इस फ्लोर को कर सकते हैं, अगर रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, फेसिंग 150 फीट रोड और नियर इसकी जो पार्क की ऑप्शन है देखने को मिलती है, और ये इसका टोटल लुक दे सकते हैं। कोई भी आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो या ये घर आप लेना चाह रहे हो या डिमांड इसकी जानना चाह रहे हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।